राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नई सुबह के साथ। और आज मैं जा रहा हूँ हिम्मी के एकेडमी, क्योंकि ये बहुत दिनों से बोल रहा था कि चलो भैया एकेडमी चलो। और मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल होता है भाई, वो भी ठंड के टाइम पे तो और ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट है कि भाई यहाँ ट्रैफिक वगैरह नहीं है, पूरा रोड सुनसान है, खाली है, खाली है। तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है इसी बहाने, और अपना घूम भी लेते हैं। तो दो फायदे हैं इस चीज़ के, सुबह सुबह ठंडी हवा, फ्रेश एयर ले लो। अब हमारे साइड में तो कहाँ इतनी फ्रेश एयर मिलती है, लेकिन यहाँ पे है। अब इसलिए मैंने सोचा क्या चल ही दे, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने, और आप लोगों का एंटरटेन भी हो जाएगा, एक ब्लॉग भी बन जाएगा इसके एकेडमी में। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर बाद, इतने आप इंजॉय करें टाइम लैप। तो भाई सूरज की पहली किरण आ गई है और हम जा रहे हैं यहाँ ऊपर को। यहाँ पे एक ही दिक्कत देती है चीज़, वो है कि हम भी एकदम अप चढ़ाई एकदम डाउन, कोई रास्ता प्लेन नहीं है, पहाड़ों का रास्ता है ना, तो इसलिए। तो भाई आज इतने दिनों बाद मैं सुबह सुबह उठता नहीं हूँ, लेजनेस आती है। अगर मेरे को कोई ब्लॉग बनाना हो तभी सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं उठ पाता। एकेडमी में आते ही ने रनिंग के लिए बोला कि हम भी एक दो राउंड रनिंग करके आओ, उसके बाद आना। ये वहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, थोड़ी वार्म अप हो जाती है ना, तो इसलिए रनिंग। कितने राउंड है मी? दो राउंड। इतनी दूर से यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद भी वो जरूरी है इनके लिए। एक हम पड़े रहते हैं बिस्तर में वार्म अप तो छोड़ो, वॉक भी नहीं हो पाती हमसे पैदल, बहुत टाइम बात करते हैं। तो यहाँ इन्हें देख के मुझे अपने बचपन की भी याद आ रही, हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, सुबह सुबह जल्दी उठो, क्रिकेट खेलो। वैसे पढ़ाई के नाम पर नहीं उठा जाता था हमसे, लेकिन क्रिकेट खेलने के नाम पर तो भाई भाग के जाते थे। हमारे पुलिस लाइन के सामने एक ग्राउंड था बहुत बड़ा, तो हम वहाँ जाया करते थे दोस्त यार मिलके, और अपना क्रिकेट खेला करते थे। संडे को तो मोस्टली जाना होता था, क्योंकि भाई उस दिन तो बहुत देर तक हम खेल सकते थे, उस दिन कोई हमारे पे लिमिट नहीं थी। आलस आता है जिस चीज़ को हम ना करना चाहे उसमें, अगर जिस चीज़ को करना चाहते हैं उस चीज़ में कोई आलस नहीं आता, बेशक कितनी जल्दी उठाए, कितनी दूर हो या कुछ भी हो, ये रियलिटी है। आगे जनाब कितने राउंड मारे? पांच राउंड, थक गया बस पांच राउंड में, बहुत बड़ा फील्ड हो रहा है। देख लो, मैं कर रहा, तू थोड़ा बॉडी स्टिफ हो रही, तेरी बॉडी टाइट हो रही है, इसको देख, बच्चे को ना बॉडी टाइट नहीं करनी है, रोकनी नहीं है। और
स्टैंड से सीधा करो, एकदम से बिल्कुल पोजीशन पे आना फटाफट, ठीक है? टाइम नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले ले, तैयार हो जल्दी। बहुत बढ़िया, तेज, पूरा पूरा फ्लो में मारना है। तो भाइयों हम आ गए हैं अब मैच खेल के, मतलब हिम्मी आ गया मैच खेल के, इसकी प्रैक्टिस हो गई है। और अब जा रहे हैं हम कहाँ? अब हम किट खरीदने जाएंगे, वाइट किट। तो वाइट किट खरीदने जा रहे हैं भाई। इसमें खाली वही प्रैक्टिस होती है क्या? हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल और पता जिम भी है इसमें। हाँ, जिम के भी है, लेकिन की अब दोस्तों ऐसा है, हमारी फोटो खींच ली गई है, मतलब अब हम सिलेक्ट होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि जब फोटो खींचते हैं ना, हाँ, तो अपनी टीम की पूरी फोटो खींच ली है इन्होंने। अच्छा अच्छा, तो भाई फोटो वगैरह भी खींच गई है इनकी, और आज का प्रैक्टिस भी हो गया इसका। हम मार्केट जाते हैं, कल की तैयारी करते हैं, कल घूमने का प्लान बना रहे हैं हम। जरा शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ी कपड़े वगैरह ले लेते हैं या कुछ। किट तो इसके पास पहले भी थी, लेकिन उनके बैंड बजा देता नहीं किटों की बहुत जल्दी जल्दी। हम नई किट लेते हैं, मार्केट जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। प्रैक्टिस तो सही हो रही है, बस देखो भाई निकल जाए अपना चैंप। तो चैंप कमर तोड़ महंगाई कब तक? कांग्रेस में है जब तक। तो अगेन हम आ गए हैं ताल पे, क्योंकि बीच का रास्ता लगता है यहाँ ताल का ना जी। तो यहाँ से पूरा ताल दिखता है बढ़िया एकदम, और हम मतलब ऊपर से घर से आए और इसके एकेडमी से आए, तो बीच में पड़ता है ये जगह। तो अब हम रिक्शे में बैठ गए हैं, क्योंकि वॉक वे बहुत हो गया था, सुबह से बहुत चल रहे थे पैदल, तो इसलिए हमने सोचा अब रिक्शे में ही बैठ जाएं अपना, रिक्शे से ही चले जाएं। पैदल चलने की अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। इसका तो डेली होता है एकेडमी भाई, पता नहीं कैसे आ जाता है डेली डेली, मेरे बस की तो होती भी नहीं। ले लगा लो, एक भी दिन गैप नहीं करा, सिर्फ छुट्टी, जिस दिन छुट्टी होती है। चचा से चढ़ नहीं रही थी ऊपर को, थोड़ी जान लगानी पड़ रही थी बेचारों को, तीन तीन वैसे बैठ गए थे हम, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पुश कर दिया। हेल्प करनी चाहिए यार, जहाँ आपसे हो वहाँ तो करो, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह हेल्प करो, लेकिन जितनी आपसे हो सकती है उतना तो करनी चाहिए। बेसिकली बड़े बूढ़ों को तो हेल्प करनी चाहिए भाई, क्योंकि उनके बस की वैसे कुछ नहीं होता, फिजिकली दिक्कत रहती है उनकी, तो इसलिए हल्की फुल्की हेल्प होनी चाहिए लाइफ में। कोई नहीं, भगवान सब देख रहा है। कटिंग करा ली भैया, मैंने भी हिम्मी ने भी, ऐसे हो रहे हैं बाल, घर जाके निकालेंगे फाइनल लुकिंग का। तो भाई हिम्मी मुझे कटिंग कर दी तेरी, गूगल पे उससे ले सकते हो, उससे ले लो ठीक है भाई जी, यही है ये तो कटिंग करवाने के लिए। अरे भांजे की बहुत डिमांड हो रही है हमें। तो भाई यहाँ पे हम स्टोर में आ गए, हमने सोचा कुछ खाने पीने का सामान ले लें, मैगी और नमकीन ही देख रहे हैं और तो कुछ देखें, वो पॉपकॉर्न ले लें, टाइम छोड़ने के लिए बहुत बढ़िया है। सही है, मिल रहा है भाई क्या? ले लें
तो भाई यहाँ हाथ हो गए हैं पूरे फुल फुल आज के लिए बहुत हो गया छोड़ो बाकी का कल लेंगे खा मम्मी चलो भाई तो भाई शॉपिंग भी कंप्लीट होगी खाने पीने का सामान दी घर जाके लड़ेगी क्योंकि पड़ा रहता है खाते हैं नहीं ऐसी ये बर्बादी बहुत करता है घर में ले जा रहा हूँ घर में पड़ा रहेगा खाएगा है नहीं कोई फिर दी लड़ती है ना खाते हो नहीं भर भर के ऐसे ले आते कभी क्या कभी क्या तो अभी अब दूसरी जगह ट्राई कर रहा है एक जगह से तो ये सही है ये फिटिंग में ये सही है ना हाँ अपर अपर की दिक्कत हो रही थी छोटी नहीं है ना सही है हाँ बढ़िया तो भाई इसके तो मिल गए किट किट चिल्ला रहा था सुबह से किट मिल गया फाइनली इसके अब चलते हैं घर को तो यहाँ पे हम आप ट्रैकिंग कर रहे हैं रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है यार ठंडी ठंडी हवा एक तो ऊपर नीचे से चल के आना ऊपर को तो गर्मी लग रही है बहुत पसीने आ रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है ऐसा लग रहा है गर्मियों के दिनों यहाँ पे धूप यार बहुत ज़्यादा तेज आ रही है बाल कटा लिए इसलिए चटक धूप और पड़ रही है धूप बहुत तेज आ रही है यहाँ पे ऐसा पहले तो बीच में मौसम इतना ठंडा हो गया था कि बर्फ़ पड़ेगी बर्फ़ वर्फ तो गिरी नहीं यहाँ पे कुछ भी बस धूप ही धूप आ रही इस व्यू को तो ऐसा मन करता कैप्चर कर लूँ आँखों में आँख खोलते ही यही दिखे बस हमारे कैप्चर ही होता है अब हम जा रहे घर को तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टूर का ट्रिप बना रहा हूँ अच्छी सी जगह का तो देखते हैं भाई अभी भाई भी हमारे साथ चलने की कह रहा था लेकिन देखो भाई क्या हो पाता उसका थोड़ी डिले हो रहा है इधर उधर तो इसका कंफर्मेशन नहीं आई है अभी कंफर्मेशन आएगी फिर देखते हैं बाकी बने रहिए ब्लॉग में मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।